सर बलिया में किस तरह का कोरोना केस मिला है? जी, बलिया में ये पहला पॉजिटिव केस मिला है और बलिया अब उत्तर प्रदेश का 74वां जिला हो गया है जिसमें पॉजिटिव केस हैं। एक राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार शाह चाँद दियर गांव के रहने वाले हैं, बैरिया तहसील के हैं। ये पॉजिटिव पाए गए हैं और ये अहमदाबाद से चले थे, जौनपुर ट्रेन से आए हैं। 9455 नंबर है ट्रेन का, उस ट्रेन से जौनपुर आए 4 तारीख को और 5 तारीख को बाई बस आए बलिया। और उनको बेलथरा रोड में एक डीएवी इंटर कॉलेज है उसमें क्वारंटाइन फैसिलिटी पे भेजा गया और वहाँ रुके हुए सभी लोगों को कुछ दिन रोका गया था और रैंडम बेसिस पर 10 लोगों का टेस्ट लिया गया था और उन 10 लोगों में 9 लोगों का निगेटिव रिजल्ट आया है, 1 का पॉजिटिव आया है और वो 7 तारीख का रिजल्ट आज 11 तारीख को सवेरे प्राप्त हुआ है। इस क्रम में ये राहुल हैं, इनकी उम्र है 16 साल की और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इनको कोई भी सिम्टम कोरोना का जो होता है वो नहीं है और इसलिए और हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि केवल सिम्टम जो अब तक दिखता था वो सिम्टम ही ज़रूरी नहीं है खतरे के लिए। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है उसको जो होम क्वारंटाइन 21 दिन बाहर रहने के बाद जो ये एक निर्देश दिए जा रहे हैं वो कितना ज़रूरी है। सिम्टम रहेगा ही नहीं और वो पॉजिटिव रहेगा और ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये हम सबको सतर्क रहना है इस बारे में। चाहे घर वाले भले हों, घर का बेटा होगा, पति होगा, बाप चाचा होगा, तो उस बहाव में न रहें, उसको घर में ही क्वारंटाइन रखें और क्वारंटाइन रखने का जो एक प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करें, घर वाले मेंटेन करें और गांव वाले मेंटेन करें। इसीलिए ग्रामवार मोहल्लावार निगरानी समितियां बनाई गई हैं, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, ग्रामों में सभासदों की अध्यक्षता में, वार्ड्स में ये बनाए गए हैं। मोहल्ला समितियों को हम लोग सक्रिय करा रहे हैं, प्रत्येक BDO प्रत्येक EO प्रतिदिन जा कर के ग्राम निगरानी वार्ड निगरानी समितियों का देख रेख कर रहा है। इस क्रम में अब राहुल को हम लोग जो कोरोना केयर यूनिट है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पर है ये अच्छी बात है कि हम